हाय एवरीवन, वेलकम टू फ्लेवर्स लैब। होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत ही चटपटी है। आज हम फ्रूट्स को बनाकर खाएंगे चटपटे अंदाज में। वो फ्रूट रेसिपी क्या है? वो है बारबेक्यू पाइनएप्पल। जब भी आप बारबेक्यू नेशन जाते हैं या इस तरह के किसी और रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ आपको सर्व किया जाता है ये बेक पाइनएप्पल, जो बहुत ही टेस्टी होता है। स्वीट और सॉर जो इसका टेस्ट होता है वो अमेजिंग होता है, थोड़ा स्पाइसी भी होता है। तो चलिए देख लेते हैं उसके लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे। ये देखिए, मैंने पाइनएप्पल लिया है, उसको स्लाइसेस में कट कर लिया है। और ये बूरा ली है, आइसिंग शुगर 2 टेबल स्पून है। ये ज़ीरा पाउडर है 1/2 टीस्पून। 1/4 टीस्पून लेंगे चाट मसाला, 1/4 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट लेंगे। और ये सिनेमन है, इसका बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है जो पाइनएप्पल में आता है, वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी 1/4 टीस्पून लिया है मैंने। 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर लिया है। तो सबसे पहले हम इसको मैरिनेट करते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, पाइनएप्पल को मैरिनेट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक बोल लिया है और उसमें डाल देंगे ये पीसेस। ये देखिए, इसके ऊपर डाल देंगे हम सारे स्पाइसेस। अब डालेंगे सॉल्ट एंड चाट मसाला। अब इसके ऊपर डालेंगे हम ये रोस्टेड ज़ीरा पाउडर और इसके ऊपर डालेंगे ये आइसिंग शुगर। पाइनएप्पल में सॉल्ट टेस्ट तो होता ही है, अगर आप चाहते हैं और इसको खट्टा टेस्ट देना तो आप इसके ऊपर लेमन जूस भी डाल सकते हैं। ये देखिए, अब हम इसको उठाएंगे और इस तरह इसको टॉस कर देंगे। देखिए व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं ये थोड़ा सा कलरफुल हो जाए तो इसमें आप कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, और ये ऑरेंज फूड कलर है ये भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसमें ऐड करी थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर, 1 पिंच फूड कलर ही हमें यूज़ करना है। अब इसको हम टॉस करेंगे, फिर देखिएगा इसका जो कलर है वो कितना अमेजिंग होगा। इसको थोड़ा सा हाथ से मुझे मिक्स करना पड़ेगा। जो लोग नहीं खाते हैं ना वो भी तक खाना शुरू कर देंगे इस स्टाइल में आप पाइनएप्पल खिलाएंगे। तो हमें एक्स्ट्रा पानी लेने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि पाइनएप्पल तो खुद अपना पानी रिलीज़ कर देगा। किसी भी चीज़ पर जब शुगर और सॉल्ट डल जाता है तो वो पानी ज़रूर रिलीज़ करती है। तो अब जब हमने इसके ऊपर शुगर और सॉल्ट दोनों ही डाले तो पानी तो इसमें निकल नहीं है, बस हमने इसको मिक्स करके 1/2 आवर के लिए रख देना है। ये देखिए, सब पर कलर आ गया है, लग रहे हैं ना अभी से ही बहुत खूबसूरत और टेस्टी भी। तो चलिए अब इनको कवर करके रख देते हैं और आधे घंटे बाद इनको बेक करेंगे। सेकने के लिए हम इसमें डालते हैं ये बटर। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बटर से इसका टेस्ट और एनहेंस हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसको मेल्ट कर लेंगे। ये देखिए, 1/2 आवर हो चुका है और हमारे जो ये पाइनएप्पल है ये ज़बरदस्त तरीके से कलरफुल हो चुके हैं। देखिए, अब हम इसमें डालते हैं ये पाइनएप्पल और इनको अच्छी तरह से सेक लेंगे। और फ्लेम को कर देते हैं हम लो और अब इसमें डाल देंगे सारे पाइनएप्पल पीसेस और अब इसको कर देंगे लिड से कवर और 5 मिनट के लिए रख देते हैं, फिर इनको फ्लिप करेंगे। अब हम इसको ओपन करके देख लेते हैं और इसको करेंगे फ्लिप। वाओ, ज़बरदस्त ये सिक चुका है, देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा। अरे वाह, ये देखिए सारे पीसेस को फ्लिप कर देंगे। ये देखिए आप, कितना खूबसूरत इसका कलर आ रहा है। बस अब हम दूसरी साइड से इनको अच्छे से सेक लेंगे। फाइव मिनट्स के लिए हम इसे वापस लिड से कवर कर देते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, 5 मिनट्स हो चुके हैं, अब हम इनको खोलकर देख लेते हैं। वाओ, अमेजिंगली डिलीशियस, ये आप देख सकते हैं। मैं इनको निकाल लेती हूँ और अब ये तैयार है, आप इनको एंजॉय कीजिए। ज़बरदस्त तरीके के बारबेक्यू पाइनएप्पल बनकर तैयार हुए हैं, ये देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते रहेंगे हम अपनी इसी तरह की मज़ेदार मज़ेदार रेसिपीज के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, टेक केयर योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग फ्लेवर्स लैब।